नमस्ते, हम लोग आसाम से आए हैं मेरे मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। और मेरे अंकल ने ये अपोलो हॉस्पिटल रेफ़र किया था। मम्मी का मतलब ये नेक में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब खींचा खींचा जैसा कुछ प्रॉब्लम था। देन हम लोग आसाम में भी बहुत हॉस्पिटल में दिखाए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देन आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे आए अपोलो में, बहुत कुछ टेस्ट किया गया है। एंड बीमार पता चला कि मतलब पेपिलरी कार्सिनोमा हुआ है इनका यहाँ पे। फिर सर्जरी भी हुआ, अभी ये पूरा ठीक है। तो अभी फिर से अभी उनका कुछ और प्रॉब्लम निकल आया है। यूरोगाइनोलॉजिस्ट के पास हम लोग आए हैं, तो अभी फिर से कुछ टेस्ट किया गया है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। और मतलब अभी इनका सर्जरी फिर से हुआ, वो गाइनो जो प्रॉब्लम था उसका सर्जरी भी हो गया है। तो अभी भी हम लोग फिर से मतलब फॉलोअप के लिए आए हैं, तो वो भी पूरा ठीक से चल रहा है। यहाँ में मतलब सर्विस बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब कुछ। मतलब अभी बीमार सब पता चल रहा है और मतलब ठीक भी हो रहा है। हम लोग अभी जो फॉलोअप के लिए आए थे, जो रिसेंटली अभी फिर से सर्जरी हुआ था, वो डॉक्टर अल्पा खक्कर है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत मतलब लैंग्वेज भी उनको, मतलब बहुत 3 types of language उनको पता है, और भी पता होगा उनको। तो हिंदी इंग्लिश मतलब पूरा कंफर्टेबल एंड लाइक वेरी फ्रेंडली डॉक्टर। तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी मेरा मम्मी के लिए, मम्मी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अल्पा खक्कर है और मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। मैंने अपना MD OBGYN और बेसिक क्वालिफिकेशन इन MBBS गुजरात से किया। उसके बाद मैं USA और कनाडा यूरोगाइनिक और पेल्विक फ्लोर सर्जरी के बारे में स्पेशलाइज स्टडी किया, और उसके बाद मैंने लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग लिया है। तो यहाँ मैं अपोलो चेन्नई हॉस्पिटल में लास्ट 10 years से कंसल्टेंट के रूप में सर्विस दे रही हूँ। और अपोलो चेन्नई हॉस्पिटल इज़ अ रिनाउंड हॉस्पिटल, और यहाँ पे सारे लोग चेन्नई से ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से, पूरे अब्रॉड से आ रहे हैं। और इधर पर्टिकुलरली अपोलो क्रेडल में ऑल द फीमेल आर कमिंग विथ देयर प्रॉब्लम्स इन गाइनेक एंड यूरोगाइनेक। और वो जो आते हैं वो कितने डॉक्टरों को मिलके और कितने सारे प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कि जहाँ उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं मिलती। जैसे नज़ारा जी ने कहा, उसकी बेटी ने कहा कि वो लोग कितने डॉक्टरों को दिखा के आए हैं, पूरा डायग्नोसिस नहीं पता होता, ट्रीटमेंट का तो बाद में सवाल आता है। तो वो लोग आते हैं बहुत होप के साथ आते हैं, और वो आने के बाद उनको पूरा सेटिस्फेक्शन भी चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो यहाँ जो ये आए हैं उनका जो यूरोगाइनिक का प्रॉब्लम था वो काफ़ी दिनों से था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो आफ्टर डायग्नोसिस एंड सर्जरी शी इज़ सो हैप्पी कि उनका थायराइड का तो प्रॉब्लम सोल्व हो ही चुका है, पर ये पूरा यूरोगाइनिक का और गाइनिक का प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो चुका है, और वो बहुत खुश है। और वो अपोलो क्रेडल में पूरा सेटिस्फाई होके आसाम वापस जा रहे हैं। तो वी आर होपिंग कि वी विल ट्रीट मोर एंड मोर वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड उनको जितना सेटिस्फेक्शन हम दे सके उतना कम है। थैंक यू, नमस्ते।